ध्यान से देखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सड़ा क्वेश्चन है। अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट इन 2016। इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 ईयर। इसकी लाइफ 50 साल है। हाउएवर द कंपनी कंसिडर इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर। लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो 20 साल बाद बेच देंगे। बताओ यूजफुल लाइफ क्या मानी जाएगी? यूजफुल लाइफ लिखवाया था मैंने, द नंबर ऑफ ईयर एज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। आप कितने साल यूज करने वाले, वो कितने साल चलता रहेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कितने साल यूज करने वाले, नंबर ऑफ ईयर एज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। बताओ आप कितने साल यूज करने वाले, 20। तो कितनी हो गई यूजफुल लाइफ, समझे ना? यूजफुल लाइफ आपके लिए यूजफुल, कितने साल तक आप यूज करेंगे, वो कितने साल चलेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने साल यूज करेंगे वो होती है यूजफुल लाइफ। देख लो कहीं, आप कितने साल यूज करेंगे वो होती है यूजफुल लाइफ। थोड़ा स्पीड में है ना? तो हाउ द कंपनी कंसिडर इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इज इन 20 ईयर, 20 साल बाद 9 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू बचेगी। यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 2016 में, 5,000। मतलब अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां 50 लाख का एसेट खरीदेंगे 49 लाख की डब्ल्यू डी बचेगी, 60 लाख का एसेट खरीदेंगे हो सकता है कि 58 लाख की डब्ल्यू डी बच जाए। 1 लाख के आसपास का डिफरेंस आ रहा है जिस पर तुम डेप्रिसिएशन लगाते हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि AS 10 में कुछ चेंजेस आए थे, ठीक है? मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है कि डेप्रिसिएशन कब लगना बंद हो जाएगा। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू इसकी बची हुई डब्ल्यू डी बी से ज़्यादा यील्ड कर सकती है, तो आप डेप्रिसिएशन लगाना क्या कर दो, बंद कर दो। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक एसेट खरीदा गया 60 लाख में और हमें लग रहा है कि 20 साल बाद ये 65 लाख का बिक जाएगा। हो सकता है उसमें ऐसी कोई, ऐसा कोई मेटल लगा हो जो जिसकी कीमत क्या हो रही हो, बढ़ रही हो सकता है ना। उन्होंने बोला कि हमने 60 लाख में एसेट खरीदा है जो हमें लग रहा है कि 65 लाख में बिक जाएगा। बताओ डेप्रिसिएशन लगाएं या ना लगाएं, लगाएं या ना लगाएं, नहीं लगाएं, है ना? और तुम्हें क्या लगना है कि AS 10 ने ऐसा बोला है कि अगर स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, बची हुई वैल्यू या कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको डेप्रिसिएशन लगाना क्या कर दें, बंद कर दें, सीज कर दें, ठीक है? तो क्लियर है तुम्हें? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मत लिखना, इससे अच्छा क्वेश्चन एक लिखवाऊंगा मैं तुम्हें, 7 हम बाद में करते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है 7 का, जो PM में दिए गए, पैरा 35 याद है? जब आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होने की संभावना है, तो आपको उसी ईयर में पूरा लॉस रिकॉग्नाइज कर लेना है, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया हो या ना किया हो, कब कंप्लीट होना हो, चाहे आपको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होने की संभावना हो, तो भी आपको क्या करना है, लॉस रिकॉग्नाइज करना है। अपन करेंगे तो AS 7 और 9 अभी हम छोड़ रहे हैं किसी वजह से, ठीक है? और AS 10 का अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पर लिख लो इंपॉर्टेंट, मैंने पिछले AS 10 पे नहीं लिखवाया था, इसमें एक और एडिशनल बात है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है? तो ये बेहतर क्वेश्चन है पिछले की अपेक्षा और अभी तक जो इंस्टीट्यूट ने पूछे उनके हिसाब से। ABC लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एंड इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी हैज इनकर्ड दिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट पर सप्लायर इनवॉइस प्लस टैक्सेस, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। जोड़ेंगे नहीं, बोलते जाओ, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट, जोड़ेंगे, ठीक है? इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर फॉर प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट मतलब क्या बताओ? अरे क्या नहीं जोड़ेंगे, पहले बताओ क्या है? नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्या है ये? डेफर्ड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपने बोला हमें थोड़ा टाइम दे दो, हम धीरे धीरे करके आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है? वो होता है डेफर्ड क्रेडिट। क्रेडिट का टाइम क्या कर, अपने डेफर करा रखा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा या बाद में हम आपका पैसा चुकाएंगे। सो इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर फॉर प्लांट और प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, ठीक है? तो क्या इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या एसेट को रेडी टू यूज होने में टाइम लग रहा है, खरीद के लाए हो तुम, ठीक है? इस पर AS 16 लगता है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, लेकिन तुम उतनी बात नहीं लिखोगे, तुम इतना तो लिख सकते हो कि ये रेडी टू यूज होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है। एसेट खरीदते ही क्या था, रेडी टू यूज था, ब्याज लगेगा वो P&L में जाएगा। तो लिख लो इसके यहाँ,
ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर क्या करें, और ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी पीएनएल में जाएगा। अभिषेक तरुण को बोलना कि सर ने कुछ बोला था, वो क्या क्या क्वेश्चन रीड कर लो तुम, वो आ जाए तो करा दो थोड़ा जल्दी। नहीं, मुझे बता देना, ठीक है ठीक है। देखे इसको, एस 13 का क्वेश्चन है, गिव योर कमेंट ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन ईच बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तुमसे है। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60 लाख, बीइंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट है 48 लाख। तुम लोग तो ठीक हो ना, कैसे यार, कैसे हुआ एक घटना, देखो देखो देखो, हेलो, हो गया सब ठीक ठाक है, ज्यादा नुकसान नहीं आया। अ करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट, हेलो, तुम तीनों थोड़ी देर बाद अलग अलग बैठ जाना, जब भी मैं ब्रेक करूंगा उसके बाद। देखो यहाँ पे दो बार मैं देख ही चुका हूँ, तुम लोगों को बात करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 60 लाख, 60 लाख पे दिखा रहे हैं, बीइंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने पे हमने खरीदा था, फेयर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द बैलेंस शीट डेट कितनी, 48। क्वेश्चन समझ रहा हो क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या, बोला है करंट इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं वो किस पर, कॉस्ट पर, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है, 48 है। तो हमें एक तो बोला है कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कमेंट करो, नेगेटिव कमेंट करना है, तो हम बोलेंगे कि करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू पिछले लोअर पर दिखाना है, तो पहले हम प्रोविजन लिख देंगे, फिर ऐसा करेंगे, और करंट इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ 86 लाख, वेयर एज देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द बैलेंस शीट डेट वाज 90 लाख। 86 लाख में खरीदे थे, 90 लाख उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है। ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा मैंने अपने काम से फायदा नहीं हो रहा है, द कंपनी वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑन दीज इन्वेस्टमेंट फॉर इम्प्रूविंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चाह रहे कि वहाँ से तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहीं से हो जाए, तो कितने का बुक करना चाह रहे हैं, 4 लाख कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, हो गया ये वही 17। पहला क्वेश्चन, मिनी लिमिटेड वॉज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन नो इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ, ठीक है, मैं पहले पढ़ना इसको, एक मिनट मारो,
हाँ समझ में आया क्या हुआ है? कि तुम यही सोच रहे हो मैं क्यों गया था? तो क्या ऐसे भी क्या गया? कभी उसके ऊपर सोचो, तुम चाहे के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, मिनी लिमिटेड वॉज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन नो इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ। वो क्या कर रहे थे? नॉन मूविंग स्टॉक, समझते हैं, जो बिकता नहीं है कपड़ों की दुकान पे, फैशन वाला माल। तो नॉन मूविंग स्टॉक का क्या करते थे? वो प्रोविजन बनाते थे। कैसे? बेस्ड ऑन नो इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ। जो माल 12 पिछले 12 महीनों से इशू ही नहीं हो रहा है, बिक ही नहीं रहा है, उसके लिए क्या बनाते थे? वो प्रोविजन बनाते थे। ठीक है। द कंपनी बॉन्ड टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 बेस्ड ऑन टेक्निकल एवेल्यूएशन। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि टेक्निकल एवेल्यूएशन कराया जाए कि कितना प्रोविजन होना चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक है 100 लाख। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ इशू, जैसा कि वो पहले करते थे उस हिसाब से 3.5 लाख का प्रोविजन बनता है। लेकिन अगर टेक्निकल तरीके से प्रोविजन बनवाएं, ठीक है, किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके पूछें हम, ठीक है, समझ लो कोई एक्सपर्ट आया है, ठीक है, जो बता रहा है, कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है वो, और उसने बताया कि 2.5 लाख का प्रोविजन बना लो, डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? जब क्वेश्चन ए पूछता है कि क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो आप पहले पहुंच जाओ कौन सा ये, इस पे बात चल रही है, मतलब वहां तक तो पहुंच। तो मतलब वो पूछना चाह रहा है कि एएस वन के बारे में, ठीक है, और कैन द कंपनी चेंज दी मेथड ऑफ प्रोविजन। तो उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और क्या कंपनी प्रोविजन बनाने के मेथड को चेंज कर सकती है। ठीक है, ओके। तो पहला बताएं क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, मैं बताता हूँ, सुना ध्यान से। और दूसरा है, देखिए पॉलिसी चेंज नहीं करी हमने, हम प्रोविजन बनाते थे। पहले हम क्या करते थे, 12 महीने में जो नहीं बिका उसके हिसाब से अंदाज लगाते थे कितना प्रोविजन बनना है। इस बार हमने अंदाज लगाने का तरीका टेक्निकल कर दिया है, हमने किसी एक्सपर्ट से पूछ के अंदाज लगाया है। हमने मतलब 12 मंथ के इशू के हिसाब से नहीं, टेक्निकल से पूछ के क्या किया है, एस्टिमेट लगाया है। तो जो प्रोविजन है, प्रोविजन बाय नेचर एस्टिमेट होता है। क्या होता है प्रोविजन? एस्टिमेट, अंदाज लगाना। ये बताया मैंने इस बन में पढ़े, तो ये एस्टिमेट है। और आप एस्टिमेट चेंज कर सकते हैं, अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो आप एस्टिमेट चेंज कर सकते हैं। तो प्रोविजन का जो वैल्यूएशन है उसको हमने चेंज करा है, तो प्रोविजन में जो चेंज आया है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी ये तरीका बदल सकती है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, कंपनी एस्टिमेट चेंज कर सकती है अगर उसको लगता है कि दूसरा एस्टिमेट ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है क्या? ये लाइन लिख लो आंसर में, ले लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। नो चेंज इन अकाउंटिंग, अच्छा पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, तो लिखना है नो, दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लिख लें उतने को अंडरलाइन करके हिंट लिख लें कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। और दूसरा, हाँ, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नो दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और हिंदी में लिखो, क्योंकि हमने प्रोविजन मतलब एस्टीमेट को चेंज किया है। देखिए हमने किसको चेंज किया है, प्रोविजन मतलब एस्टीमेट। हर तरीके के प्रोविजन क्या होते हैं, एस्टीमेट होते हैं, है ना, और आप अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज कर लेते हैं। कौन बनाता है एस्टीमेट, जरा बताते जाना है दो तीन बात। कौन लगाता है एस्टीमेट? मैनेजमेंट। कैसे लगाता है वो? अपने स्किल यूज करता है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उनको यूज करके एस्टिमेट लगाता है, और एस्टिमेट को चेंज किया जा सकता है। उन्होंने बोला क्या ऐसा कर सकते हैं, तो यस, फॉर मोर प्रूडेंट एस्टिमेट्स। आपको अगर लग रहा है कि बेहतर एस्टिमेट आप लगा सकते हैं, तो आप अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बेहतर एस्टिमेट लगा सकते हैं तो लगाएं, है ना, जितना अच्छा एस्टिमेट लगा सकते हैं लगाएं, आप चेंज कर लें पुराना तरीका अगर आपको लगता है वो सही नहीं था। क्लियर है क्या? पक्का? हाँ, तो पूरा आंसर क्या आएगा कि क्या ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है, बोले जरा थोड़ा कॉन्फिडेंस से, आया समझ में तुम्हें ना? ठीक है, तो क्या ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो हम बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, ये
अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है, प्रोविजन बनाने की को चेंज किया गया है। तो बोले क्या ऐसा चेंज परमिसेबल है? तो हम बोलेंगे हाँ, अकाउंटिंग एस्टिमेट आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नया तरीका ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट लगा सकता है तो। और अगर वो प्रेजेंटेशन पूछते आपसे, मैं बता देता हूँ, तो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज करा जाए उसका मटेरियल इफेक्ट है, तो वही होगा जो अकाउंटिंग पॉलिसी में समझाया था। तो क्या होगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा है, अगर आप वो निकाल सकते हैं तो। आपको क्या बताना है कि आपका पुराना तरीका क्या था एस्टिमेट लगाने का, नया कैसे लगा रहे हैं आपने, और उससे अमाउंट पर कितना असर पड़ा है। अगर निकाल सकते तो आप बताएं, नहीं तो फैक्ट बताएं आप। ठीक है, क्लियर है? एक बार आंसर दिखा देता हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन में काम आएगा तुम्हारे। एक कौन का कर रहे हैं बताना, अटेम्प्ट कौन सा? मई 17। ये है आंसर इसका, ये डिसीजन है नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज फॉर मेकिंग प्रोविजन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रोविजन बनाना पॉलिसी नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी है। और उन्होंने बोला कि 2.5 लाख से 3 लाख का कर रहे हैं अपन प्रोविजन, और ये इतना मटेरियल भी नहीं है। मैंने लिखा मटेरियल हो तो क्या देना है, डिस्क्लोजर देना है। अगर ये मटेरियल होता तो आप क्या डिस्क्लोजर देते, ये डिस्क्लोजर देते आप। डिस्क्लोजर अच्छे से पढ़ लो, आपसे लिखने को आएंगे। ठीक है, AS1 में बहुत चांस है कि आपसे लिखने को आए कि आप ड्राफ्ट करें नोट्स। ठीक है, तो ये वाला नोट पढ़ लो आप। कब डिस्क्लोजर देंगे, जो अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग का जो चेंज है वो क्या हो, मटेरियल हो, फिर चाहे उसका इस ईयर में इफेक्ट पड़े या आने वाले। ठीक है, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एवेल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। यानी बता दिया पहले ऐसा नहीं करते थे, वैसा करते हैं। ओल्ड एस्टिमेट कैसा होता था और नया कैसा है बता दिया। हैड द सेम मेथड बीन फॉलोड एज इन द प्रीवियस ईयर, जैसा तरीका हम अपना रहे थे अगर वैसा ही अपनाते, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट एसेट वुड हैव बीन हायर बाय 1 लाख। इस बार हमने 3.5 का बनाया है ना, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो तरीका ना अपनाते तो प्रॉफिट भी 1 लाख से ज़्यादा होता और एसेट भी 1 लाख से ज़्यादा दिखाई देते। प्रोविजन माइनस करेंगे 3.5 तो 3.5 कम हो जाएगा, अदरवाइज 2.5 कम होता है ना, तो 1 से 1.5 कम हो गया। और उतना ही जितना ज़्यादा प्रोविजन बनाओगे उतना प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई डाउट, पक्का क्लियर है? बोलते रहो एकदम एनर्जी में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने बोला कि सूरज स्टोर्स इन अ डिपा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, सुनना ध्यान से, विद सेल गुड्स ऑन रिटेल बेसिस इट मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन नेट सेल, और नेट सेल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर एंडिंग आर अवेलेबल, ओपनिंग इन्वेंट्री है परचेज रिटर्न है फ्रेट एंड बर्ड, ग्रॉस सेल है सेल्स रिटर्न है और कैरेज आउटवर्ड है। और तुमसे पूछा गया है एस्टिमेट दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जैसा उन्हें लग रहा है कि बहुत कठिन पूछा वैसा है नहीं। देखना ओपनिंग है, बता दे जाना परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, जीपी की रेट, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, पहले से फिगर निकाला है, निकालो ट्रेडिंग बनाओ जल्दी करो, थोड़ा स्पीड में करते जाना। और अगर तुम्हें कभी सेल और रिटर्न दिख रहा हो तो कसम खा लो तुम नेट सेल ही दिखाना ट्रेडिंग में, एकदम जीपी में उलझे रहोगे। क्या दिखाना, हमेशा नेट सेल दिखाना, अगर तुम्हें रिटर्न पता हो तो उल्टी साइड मत लिखना, सीधा नेट सेल ही दिखाना, आंसर ज़्यादा करेक्ट आएगा। सिंगल एंट्री में इस बात का ध्यान रखना, नेट सेल दिखाना तुम जब भी क्या करो सेल अकाउंट बनाओ, सेल के लिए जब ट्रेडिंग में दिखाओगे नेट सेल ही दिखाना, एंटर वाले डिपार्टमेंट में ही बात ध्यान रखना। कितना आ गया तुम, आएगा या नहीं आएगा? हाँ तो नहीं आएगा,
हो गया, कितना आया? थोड़ा स्पीड में करूं, क्या गया? क्या चौसठ हजार, उनसठ हजार, 62 50, ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज्यादा वैरायटी आ गई है? क्या है? अच्छा, हाँ देखो, आंसर कुछ भी आया हो लेकिन गंभीर स्थिति है यार। तुम क्या कर रहे हो, मतलब कौन से आंसर पे डिस्कशन कर रहे हो, हम समझ भी रहे हो तुम? क्या आएगा? मेरा मन ही उठ गया तुम्हारा। मुझे नहीं पता तुम्हारा आंसर क्या आना है, लेकिन कैरिज आउटवर्ड ट्रेडिंग में नहीं आता। अरे खुश मत हो, गिल्टी हो जाओ तुम।